हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है। तो बीच में एक्चुअली बहुत बारिश भी हो रही थी कंटिन्यूस, और मैंने जो RX लिया था तो थोड़ा सा उसके पीछे भी था, थोड़ा सा सर्विसिंग के चक्कर में भी था उसमें, और मेरा तबीयत भी बराबर नहीं था बीच में, तो इसलिए काफ़ी मतलब टाइम हो गया, बीच में थोड़ा सा डिले हो गया। तो अभी सब बराबर हो गया, अभी सब वीडियो अभी बराबर आ जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो मेरे पास एक हेडलाइट है CYT कंपनी का, CYT कंपनी का हेडलाइट है ये, वाइट एंड येलो डुअल कलर का हेडलाइट है। तो ये हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं और जिसको हम लोग रिव्यू करेंगे। तो ये एक्चुअली मुझे करना था शाइन पे इंस्टॉल करने का था, लेकिन शाइन का तो हेडलाइट पूरा चेंज हो चुका है, तो शाइन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं इसको एक्टिवा में आपको करके बताऊँगा। और मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बताया है कि सभी जितने भी मॉडल है मतलब बाइक्स में या स्कूटर के, जो हेडलाइट केसिंग जो आती है, असेंबली जो आती है, अलग अलग मॉडल में अलग अलग थ्रो आता है। एक्टिवा में जो थ्रो आपको मिलेगा उससे ज़्यादा आपको दूसरे बाइक्स में या दूसरे स्कूटर में आपको ज़्यादा थ्रो मिलेगा, जुपिटर में ज़्यादा मिलेगा, शाइन में ज़्यादा मिलेगा। तो जो भी आपको एक्टिवा में दिखेगा उससे ज़्यादा आपको दूसरे बाइक में आपको मिलने वाला है, ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आप किसी भी बाइक और स्कूटर में लगा सकते हैं जिसमें H4 होल्डर है, और DC कनेक्शन करना कंपलसरी। बहुत से लोग ने पूछा था कि भाई AC कनेक्शन पे कर सकते हैं क्या, उस पर लिखा हुआ है, बॉक्स पे लिखा है AC कनेक्शन पे भी चलता है, कंट्रोलर पे भी लिखा रहता है AC का, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ DC करो। मैं AC के लिए मैं अलग से कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, तभी आप वो अलग से कुछ करेंगे, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जो है DC कनेक्शन करके करना। अगर आपको आता है तो आप कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी अच्छे मैकेनिक के पास से जाके आप DC कनेक्शन करवा लो, ठीक है। तो और दूसरा इसमें कैसा है ना, ये हाई बीम पे वाइट होती है, लो बीम पे येलो होती है, लेकिन इसका कनेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, वो आप कर सकते हैं उसमें। आप उसको स्वैप कर सकते हैं वायर्स को, तो वो उसमें कटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो इजीली स्वैप हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बॉक्स ओपन करके आपको दिखाता हूँ, अनबॉक्सिंग करूँगा, आपको बल्ब दिखाता हूँ, और फिर बाद में आप इसका ब्राइटनेस बाद में हम लोग चेक करेंगे। बाकी AC DC कैसे करने का क्या है, वो मेरे पहले बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना हुआ है और वो बहुत कॉमन हो चुका है अभी, ठीक है। तो आप पहले वाले वीडियो सब देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया AC DC कैसे करने का। फिलहाल मैं आपको ये बल्ब मैं आपको बताता हूँ कैसा काम करता है ये डुअल कलर का हेडलाइट, और बाद में हम लोग इसका डायरेक्ट हम लोग रिव्यू करेंगे, इसका नाइट में इसका ब्राइटनेस हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हेडलाइट बल्ब है, तो इसको बॉक्स से एक मिनट निकलना, ठीक है। तो ये ऐसा ही, इसमें बाकी दूसरा कुछ प्रेम पत्र जैसा कुछ नहीं है। तो ये बॉक्स देख लीजिए, ये ओरिजिनल CYT है ये, इसमें डुप्लीकेट भी आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ये ओरिजिनल है ये, वाइट येल्लो, ये देखिए बॉक्स 40 वाट का है ये, इसमें कहीं पे तो लिखा था एक 40 वाट, मैंने देखा था 40 वाट का है ये। H4 कनेक्टर है इसका, ये इसका ब्लास्ट हो गया, इस पर ब्लास्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 12 to 36 volt पे काम करता है, हाई पावर 40 वाट है, और लो बीम जो है 20 वाट का आउटपुट है ये इसका, और ये इसका बल्ब। तो वाइट LED है और येल्लो LED ऐसी है इसके अंदर, जो नीचे वाली जो है वाइट है, ऊपर वाला येल्लो है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जो कंपनी का जो कनेक्शन है ना, वो कैसे किया हुआ है उन्होंने, हाई बीम पे वाइट दिया हुआ है और लो बीम पे येल्लो दिया हुआ है, लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं है, वो आप है ना यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें जो ग्रीन वाला जो वायर है ना उसको छोड़ देने का, ग्रीन वाले को कुछ नहीं करने का, वो नेगेटिव है। बाकी जो ब्लू रहता है वो हाई बीम का रहता है, वाइट लो बीम का रहता है। तो ये आप वायर जो इसमें आप स्वैप कर सकते हैं, ये पिन निकलती है, ये पिन जो है ना ये इजीली निकल जाता है यहाँ से। आपको एक छोटा सा चिमटा डालना है, उसको पतला सा चिमटा डालो या फिर आप सेफ्टी पिन डालो तो ये पिन निकल जाएगा, पिन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको वाइट पे हाई बीम चाहिए, सॉरी हाई बीम पे वाइट चाहिए या हाई बीम पे येलो चाहिए, वो आप कैसा भी आप चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जैसा चाहिए कलर चेंजिंग आप कर सकते हो, ये पिन से निकल जाती है इजीली, इसका कोई टेंशन नहीं है। ये पिन निकाल के आप इसको खाली, ये दो पिन जो रहते ना, ये ब्लू और वाइट, ये दो खाली आपको इंटरचेंज करना है तो आपके बटन पे इंटरचेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल मैंने जो एक्टिवा पे जो लगाया वो कैसा है, हाई बीम पे वाइट है, लो बीम पे येल्लो है, जो बाय डिफॉल्ट आती है। अगर आपको हाई बीम पे येल्लो चाहिए ना, तो खाली ये दो वायर आप चेंज कर दो तो ये आपका काम हो जाएगा, कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा बल्ब है, ये होल्डर ये एक्चुअली पहले से ऐसे लगा हुआ रहता है ना, तो RTD में कैसा अलग से आपको लगाना पड़ता है, ये पहले से लगा हुआ है। ये पीछे इसका फैन हो गया, ब्लास्ट हो गया, बस इतना सा है ये, और ये फिटिंग ऐसा ऐसा फिटिंग हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी इसको मैं अपने एक्टिवा पे इसको फिट करता हूँ और फिर बाद में अपन इसका नाइट का ब्राइटनेस चेक करेंगे। तो एक और चीज़ रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, भले आप लोग सब लोग स्किप करके देखते रहते हैं लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये वायर आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको हाई बीम पे वाइट चाहिए या येलो चाहिए, जैसा चाहिए आप ये यहाँ से आप इंटरचेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए इसको एक्टिवा में इंस्टॉल करते हैं पहले फटाफट। तो ये इस तरह से अभी फिटिंग हो चुका। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा और असेंबली में लगा देना है आपको। ये बलास्ट हो गया और इसका H4 का होल्डर। ठीक है, तो जो भी बाइक्स में H4 होल्डर होगा ये फिट हो जाएगा और ये आगे से ऐसा दिखाई देता है। तो इसको फटाफट अभी सब पूरा पैनल अभी पैक कर लेता हूँ। तो अभी ये पूरा फिटिंग हो चुका है, अभी आपको मैं लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये अभी इसको लाइट ऑन करते हैं तो ये हो गई वाइट और दूसरा अभी दिखाता येलो। तो ये येलो लाइट जो है ना, ये रेनी सीजन के लिए बहुत अच्छी लाइट है ये, रेनी सीजन के लिए। और जहाँ पे अंधेरा होता है ना, तो येलो बहुत अच्छा होता है, इसका लाभ ब्राइटनेस आपको ज़्यादा मिलता है। तो इसमें ये है कि आपको वाइट जहाँ आपको चाहिए आप उसको वायर आप उसको स्वैप कर सकते हैं, तो वैसा आपका काम हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने ग्राउंड पे आ चुका हूँ जो पूरा अंधेरा है, तो इसके पहले पे कोई दूसरी गाड़ी आ जाए फटाफट चालू करता हूँ हेडलाइट। तो ये देखिए, ये वाइट कलर की लाइट है इसकी, जो अभी फ़िलहाल हाई बीम पे सेट है। ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी से आई थी हाई बीम पे, ये हाई बीम की लाइट चालू हो रही है। अभी मैं लो बीम वाला बटन पर दबाता हूँ, तो ये देखिए, तो ये लो बीम पे ये येलो लाइट चालू हो रही है। तो येलो लाइट जो है काफ़ी अच्छी है जो बाजू में है, तो ये डिस्टेंस पे काफ़ी अच्छा है। ये डिस्टेंस एक्चुअली बराबर है, जो लो बीम पे येलो आ रहा है जो डिस्टेंस पे आ रहा है ये एक्चुअली काफ़ी बराबर है और कितना अच्छा ब्राइट दिख रहा है। तो ये रेनी सीजन के लिए बहुत अच्छा है, येलो लाइट जो है रेनी सीजन के लिए बहुत सही लाइट होती है, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है बारिश के टाइम पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है लेकिन येलो लाइट पर प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये काफ़ी अच्छी लाइट दे रही है बीच में, ये देखिए येलो। और इसको मैं वापस हाई बीम पे करता हूँ तो ये वाइट आ जाती है, तो वाइट का भी ब्राइटनेस बरोबर है, जगह पे बरोबर आता है ऑन द स्पॉट। तो इसको आप वायर जो है आप इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर जैसे कि मेरे में वाइट जो है हाई बीम पे है, अगर आपको वाइट लो बीम पे आपको चाहिए तो खाली वाइट और जो ब्लू कलर का वायर है वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं तो हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली हो जाता है, वो पिन निकल जाती है। बाकी मैं आपको एक और बार आपको दिखाता हूँ। तो ये वाइट लाइट है इसकी, तो ये देखिए यहाँ पीछे से ऐसा दिखाई देती है। अभी मैं इसको येलो ऑन करता हूँ तो ये देखिए ये येलो लाइट है, काफ़ी अच्छी लाइट है ये येलो, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा ब्राइट है इसका, मतलब इनाफ है ये, सफिशेंट है ये काफ़ी अच्छी लाइट है ये। मैंने एक पहले भी एक वीडियो बनाया था डुअल कलर के हेडलाइट का, सेम कंपनी का था ये, उससे ज़्यादा बेटर है। अभी इसमें फ़र्क क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। वो जो जो बल्ब था दूसरा डुअल कलर वाला, उसमें येलो लाइट जो था ना बहुत दूर जाता था, बहुत मतलब बहुत दूर जाता था, रोड पे नहीं आता था। और दूसरा उसका जो व्हाइट लाइट था उसका ब्राइटनेस इससे थोड़ा सा कम था, क्योंकि वो विदाउट फैन वाला था, उसका ब्राइटनेस कम था। ये 40 वाट का है, इसका ब्राइटनेस इसका ज़्यादा ब्राइटनेस है। तो ये फ़र्क है जो पुराना वाला बल्ब में और ये वाले बल्ब में। ठीक है, तो बाकी इसका परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और बाकी अगर कुछ डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।